जी प्रोग्राम तो बढ़ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक तेरा करोड़ शुक्र है मेरे मालिक। 5000 रुपया आ गया। हाँ। जी शूटिंग का टाइम शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी तो नए ट्रिप के नए सफर का आगाज करते हैं। पिंडी का माल मिल गया भाई, वंडा लोडिंग के लिए निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा। अभी भाई निकलते हैं मोहल्ले की तरफ, जरा कागज वगैरह पकड़ने हैं गाड़ी के। यासीन साहब को घर से अपना बाहर उबार ही अलविदा करने लगे हैं घर को। ठीक है जनाब, क्योंकि फोन आ गया तो सीधा मिल में जाना पड़ेगा लोडिंग के लिए। तो आसिम के मैं कपड़े लेने लगा हूँ घर जाके, कपड़े वगैरह इसके भी लेता हूँ, तो फिर इनके पीछे मैं भाई चोटे पे बैठ के आ जाऊंगा। आसिम साहब निकले फिर ले जी थी मान अल्लाह। तो भाई माशाल्लाह छोटी गाड़ियों में कोई छुट्टी नहीं है, कोई रेस्ट नहीं है। अभी भाई काम मुकम्मल करवाए अड्डे पे और सीधा भाई मिल में जाने लगी है गाड़ी। मेरी मजबूरी है, मैंने जरा इनके कपड़े वगैरह पकड़ने हैं घर से, वो कपड़े वगैरह पकड़ के फिर भाई इनके पीछे जाऊंगा। आगे से टर्न ओवर करते हैं और मिल के अंदर निकल जाता है आसिम। पता था इसने कोई ना कोई टर्नैली करके जाना है। चले फी मान अल्लाह, अल्लाह नहीं के मान। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पे थोड़ी देर रहा हूँ, थोड़ी देर तो खैर अपना जितनी देर भी रहा हूँ अम्मा की वजह से ना बड़ा अपना दिल ना गमगीन होता रहा है। तो अभी हौसला करके गाड़ी पे आ गई हूँ, गाड़ी पे भी जाना मजबूरी थी। आसिम के शॉपर वगैरह ले आए हूँ कपड़े वगैरह, अभी आसिम लेने के लिए आ रहा है आपके भाई को। तो आपका भाई इस चौक में बेचारा मददगार खड़ा हुआ है भाई, फुल सन्नाटा फुल खामोशी। अभी वो ट्राली दिखी है मुझे तकरीबन आधे घंटे के बाद। तो ये है भाई ड्राइवरी, ऐसी ऐसी अपना सिचुएशन से गुजरना पड़ता है हर वक्त। तो जैसे भी गाड़ी गुजरती है पास से तो हौसला हो जाता है, नहीं तो अदरवाइज बेजारो मददगार सिर्फ अल्लाह की ज़ात, और अल्लाह की ज़ात बड़ा हौसला होता है बंदे के लिए। मैं कभी एक बार ऐसे गलत बात कर जाता हूँ, माजरत भाई जान। अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरो आफिया से आ गए हैं भाई गाड़ी के पास, शुक्र है आसिम लेने आ गया, नहीं तो भाई पैदल ही आना था कोई 1.5 किलोमीटर। तो गाड़ी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लोड हो चली, आपको दिखाता हूँ भाई जरा। नहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी लोड हो गई है भाई, ऑलमोस्ट कोई 3-4 तोड़े रह गए हैं। गुजर साहब शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, एन जी टाइम ना गड्डी लोड करे करो, असी अगले घर अपनी करिए। हाँ हाँ जी शेरा फिटो लगता शेरा नहाया है जबरदस्त हो गया भाई। अल्लाह ताला की पाक जात का नाम लेकर सफर का करते हैं गाज। तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीमान अल्लाह। अभी गाड़ियां देखें कितनी वेटिंग लिस्ट पे लगी हुई हैं भाई। चलो जी पहुंच गए जनाब गुजरात टूल प्लाजा पे, और इधर भाई आगे मोटरवे वाले साहिब नजर आए। ऊपर आके पता चला कि मोटरवे वाले खड़े हैं। आसिम साहब तगड़े हो भाई, सज्जी साइड तो नहीं खलोता भाई, पीछे आन दे। या अल्लाह पाक अभी तो सफर स्टार्ट हुआ है मेरे मालिक, अपना करम करी मेरे मालिक। अल्लाह पाक बचाना, चल चल भाई चल। यार इसने कौन सा नोट पकड़ा दिया टूल प्लाजे वाले को, ये 10 मीटर ने बचाना हमें। उन्हें 5000 का नोट दिया, इन्हें को 5000 रुपए। ओ यार ओए 10 मीटर का सारा मिल गया। चल 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 चल, वो 10 मीटर ने बचाना था साइड वाली ने हमें। कौन निकल जाने, चल 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 भाई शेख, चल 170 चल 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 करमा लिए, चल 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 फुला लिए। पकड़ाओ जी पकड़ाओ जी पकड़ाओ जी टूल का था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना सजी साइड नहीं पर खबी साइड दे। चल चल
किसी गाड़ी वाले ने ना गाड़ी भगाई है तो मोटरवे वाला उसके पीछे चला गया। शुक्र है मेरे मालिक। देख अब दौड़े चेक कर मोटरवे वालों से इनकी। हाँ चेक करो जी, चेक करो। सुबह बखैर। तो जनाब पहुंच गया रवात डॉक मेजर और पहुंच दी। प्रैंक हो गया भाई। सिद्धरपाल अभी उतारे हैं तो उन्होंने कहा जनाब चकबेली मोड़ 50 बैग उतार के आने थे तो रात को पूछते रहे हैं साजिद भाई से। साजिद भाई कहते तुम गड्डी खिंचो दुकान पर आन दो। तो अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला चलानों वगैरह से बचे रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरह गाड़ी फिर चकबेली मोड़ जाती बाहर जीटी रोड पर तो भाई मिलिट्री लगाना, उन्होंने चलान 5,000 का पकड़ा देना हाथ में। तो अभी तरह जहीर भाई को फोर्स करते हैं कि 50 बैग भाई सुजुकी पे भेजें। इस तरह निज़ाम नहीं चलने वाला। क्योंकि पिछली बार मैं अपने नासी नती मेरे वाली गाड़ी पे भी इसी तरह प्रैंक हुआ मेरे साथ। मैं ये आ गया कि कार पे जा रहे हैं, मैंने इनको पूछा कि मोटरवे वाला तो नहीं है। इन्होंने कहा आन तो कोई नहीं टक्कर दिया। उतनी देर में वो भाई वो मेरे पास आ गया। उसने कहा तू मेरे को ना, मैं तेरे को आ जाना। उसने भाई 3,000 की चिट की। तो भाई अभी इसका पंगा बन गया है, देखते हैं किधर को जाना है किधर को नहीं। अभी तो थोड़ी सी ना इसकी अपना तरतीब सेट करते हैं कि नहीं शेरा। बिल्कुल शेरा प्रैंक कर दिया यार सुबह सुबह, यार। सारी मेहनत जाया कर दी तुम्हारी सिद्धरपाल वाली। कोई बात हाँ कोई बात नहीं शेरा, ऐसे का काम होते हैं, होते रहते हैं। नहीं जी शेरा कह रहा होते रहते हैं। चकबेली मोड का भी हल यही निकाला है कि ऊपर ऊपर से माल उतार देते हैं, सारा बाडी के अंदर माल हो जाएगा फिर चकबेली मोड निकल जाएंगे। जाना ध्यान ना लो। चलो जी थोड़ी सी तंगी होगी भाई इधर उतारने से माल, क्योंकि एकदम से नीचे फेंकेंगे तो रक्षे को भी नुकसान होगा। मोटा भाई एनर्जी दिखाओ, एनर्जी। प्रोग्राम तो बढ़ गया है। बड़े खुश हो रहे थे कि यार गाड़ी आ गई अनलोड के लिए जानी है, अभी रेस्ट है। लेकिन वो ऐसा जुगाड़ हुआ उन्होंने भाई साजिद भाई ने कहा कि ऊपर ऊपर से माल उतारो ना आप। अभी दोनों का मुंह देखे आपस में सूरतें रल नहीं रही इनकी। वंडा 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 कितना है रिक्शे पे, कितना नहीं जाना है? 15 नहीं जाने रिक्शे पे, बाकी नीचे ही फेंकोगे। भाई लेवल हो ही चुकी है, अभी थोड़ी सी आगे सहीर भाई की दुकान पे उतारते हैं माल, फिर देखते हैं चकबेली मोड़ जाना है कि नहीं। चलो 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 चल के चल के। अक्सर उकात गलती कुताही हो जाती बंदों से, बैग फेंक दे दड़म करके फट जाता, लेकिन ये ट्रिक होता है ये देखे। है जनाब सेकंड स्टॉप पे, तो अभी जगह बना रहे हैं मजदूर साहब, क्योंकि यहाँ से तकरीबन आधी गाड़ी तक माल उतारना बड़ा मुश्किल काम है, तो ये थोड़ी सी इनको मशक्कत होती है। उसके बाद भाई सारा काम ठीक हो जाएगा, फिर इजी मोल से उतारते रहेंगे। तो भाई रात का चढ़ गया बुखार इसलिए चढ़ा है, बुखार चढ़ गया जुदाई वाला है। और जुदाई अम्मा जान से भाई बड़ी मुश्किल बन रही है। माशाल्लाह अम्मा ये दुआएं कर रही हैं भाई सब व्यूवर्स के लिए, खूब खूब ढेर ढेर। खैर मैं अपना स्टोरी लगाऊंगा तो आप लोग भी देख लेना अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा यार मुश्किल भाई सफ़र हो गया है। आगे ये होता था टेंशन नहीं होती थी कि अम्मा जान घर पे हैं, अभी भाई प्रदेश पे गई हैं। ना प्रदेश में जी लग रहा है ना घर पे। कल रात को मेरा यकीन करे अपना मैं घर से ऐसे भागा हूँ कि भाई निकलो, घर काटने को पड़ रहा था। बाकी हर माँ सबकी माँ को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे भाई,
मैं तो यकीन करें मुझे बुखार हो गया, इतनी परेशानी की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई खुश नसीब है अम्मा जी जो माशाल्लाह उमरा पे गई हैं, अल्लाह ताला के घर का अपना जाना नसीब हुआ है। तो अल्लाह सबको भाई अपने घर बुलाए। एजेंसी पे जाना पड़ेगा, उधर से उतार के फिर चट्ठे जाना है, चट्ठे मुश्किल मुश्किल स्टापों के नाम ही दिख रहे हैं भाई। ओए नाम दे दो जालमो। तो मजदूर जनाब अभी इनको नाम वगैरह देते हैं क्योंकि मजदूरी दुकानदार देता है और हम देते हैं इनको पैसे बोरी के इवज। ये बोरी के इवज 1 रुपये या 2 रुपये इनका इनाम होता है, मजदूरी अलग से होती है, वो दुकानदार देता है। अब इसने उतारा है 120 बैग, इसका 250 बन गया, 240 बने, हम 250 दे दें, खुशी से 300 दे दें, वो हमारी मर्जी है। तकरीबन की 200 बैग उतरा है गाड़ी में से सिर्फ। अभी यूटर्न लेती हैं आगे से, यूटर्न लेके फिर भाई एजेंसी पे दोबारा जाना पड़ेगा, उधर अनलोड करके फिर भाई कहते हैं कि माल आपने उतारना है अपना चट्ठे, चट्ठे के बाद एक और स्टाप बन रहा है वो पिंडी शहर का, रात 11 बजे के बाद वाला कोर्स। तो मैं जितना जलाड़त से बच रहा हूँ जलाड़त उतनी आगे आ रही है। चले अल्लाह मालिक है भाई, हर काम में अल्लाह ताला की हिकमत है, बेहतरी है भाई। लोड गाड़ी को यूटर्न लेना कौन सा आसान काम है, यकीन करें स्टॉप ऐसे लग जाते हैं जैसे ये रिक्शा है। आवाम समझती है ये रिक्शा जोन से मर्जी बाजार में चले जाएगा, जोन सी मर्जी जगह पे उतर जाएगा। अभी पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हुई है इसको यूटर्न लेते हुए, दोबारा से फिर भाई इसी तरह रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि माल की तरतीब ही अलग से लग गई है। तो पाकिस्तान में ट्रकिंग करना बहुत मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है भाई। टाइम हो गया 1 का और गाड़ी भाई अभी तक लटकी हुई है अनलोडिंग पे। अभी 2-3 स्टॉप हैं तो नाश्ता कर ले भाई, अभी तक नाश्ता नहीं किया, दिमाग खत्म हो गया भूख की वजह से। ओए होए होए होए, तो भाई नाश्ता करो पहले, इसके लिए कमाते हैं, इसके लिए धक्के खाते हैं रोडों पे, तो ये नहीं टाइम पे लेते यार, कैसा ही भाई ड्राइवरी की जिंदगी है। हाँ जी भाई बता दिए खाने का? नहीं मैं तो था वो देखो बेचारा लूना मुर्जे आ गया भूख की वजह से। चाचा जी दसो फ्राई गोश्त है, अंडा, चने, दाल, सब्जी है, चने बताएं जी, फ्राई गोश्त है, अंडा, चने, दाल, सब्जी है, मज़ेदार सी मंगवाई है दाल माश और साथ में तंदूरी रोटियां और प्यारा सा सैलड। हाँ बिस्मिल्लाह करें जी। लूना साहब आपका काफ़ी कोर्स हो गया भूख वाला। हाँ तो रासिम साहब छोटो मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी हो गई है अनलोड, तकरीबन रह गए गाड़ी में 130 बैग, 30 रस्ते में उतारने हैं और भाई 90 बैग उतारने हैं भाई चट्ठा। तो अभी गाड़ी का डाला बंद करते हैं और बांटते बटाते जाते हैं क्योंकि मट्टी लोड करनी है भाई शाम से पहले पहले, शाम भी हो जाए तो तभी लोड कर लेंगे। अब गाड़ी रवाना तो मैं कलर सही था रोड चट्ठा, चट्ठा स्टॉप जा रहे हैं जनाब, दरबार से निकल रहे हैं, अभी यहाँ से लेना यू टर्न। हाँ जी सर आगे का क्या प्लान है? मट्टी लोड करनी है। तो जनाब मट्टी की भी लोडिंग पड़ी हुई है इसीलिए अपना गाड़ी जल्द से जल्द खाली की है कि गाड़ी शाम तक अपना मट्टी लोड करें। चलें जी अल्लाह मालिक है फी मान अल्लाह, अभी अनलोड करके फिर भाई नासिर से कॉल करेंगे और भाई सारा अपना मामला तय करेंगे कि कब लोडिंग करनी है, किस टाइम और किधर की लोडिंग करनी है। चला 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 ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखिए इसने ब्रेक नहीं लगानी, इसने कहना कि मैं किला फतह कर लूं बाकी बाद में जाएंगे। चलो 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 चलो
जो भी जनाब निकलते हैं भाई। सॉरी मैं कलर कह रहा हूँ, ये जनाब हाँ ये चकवेली रोड है भाई। सॉरी जरा बुखार में दबना ना, दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। रोड की भी अपनी डहल है, एक अपनी मौज है, क्या करें। माशाल्लाह पुरसकून ड्राइविंग है, उतराई पड़ रही है गाड़ी भाई, खुद ही खुद खेलते जा रही है ऐसी साहब। अभी यार रह गया जट्ठा हतियाल तकरीबन 9 किलोमीटर, तो बहुत कम आमदरफ से गाड़ियों की। हाँ बड़ी गाड़ियाँ इधर से काफ़ी निकलती हैं, चक्री वगैरह के लिए, चकवाल के लिए। तो इससे आगे जो उनसे अपना आते हैं ना पहाड़ी इलाके, पहाड़ी सिलसिला, वो भी हैरत अंगेज ही है। जाएंगे इंशाल्लाह भाई, जल्द जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपने। यानी जट्ठा हत्याल मुझे नाम का खैर अपना हो जाता है। ठीक है आंदो चलो। ठीक है, हाँ जी सर, बस थोड़ी भाई अंदर करनी कर लो। कर रहे हैं जनाब जट्ठा हत्याल शराब का, तो बड़ा मसरूफ तरीन शहर है भाई, रोड के ऊपर ही शहर है माशाल्लाह। तो काफी रौनक है भाई, चहल पहल लगी हुई है, हर बंदा रोजी रोटी के लिए भाग रहा है। तो जिसका स्टाप है भाई कमेंट सेक्शन में लाजमी बता के जाए, बाद में गिला शिकवाना रहे आपका कि भाई हमारा शहर नहीं दिखाया। पठान भाइयों की सुगात में भी शायद इससे आपके भाई की कोई बुखार में थोड़ी सी कमी आए। हाँ सिंह साहब, हाँ इसको मैं फ्री में बुला रहा हूँ। एक कोते की पत्ती है, कोता किधर की है, ये किधर का एक आवा पिशावर जिला बाजौड़ का पति है। बाजौड़ का पति है भाई, इसका नाम क्या है पति का? थोड़ा सा मसला बन गया है, मसला ये बना है कि उनकी लेबर अपना आई नहीं, तो वो कह रहे 1.5-2 घंटे तक अपना भाई अपना आपको रुकना पड़ेगा। तो भाई शेरा साहब ने कहा कि भाई आप मेरे कंधों पर बोझ दें और मैं गाड़ी अनलोड करता हूँ। हाँ जी लूणा जी, थकावट तो नहीं हुई? हाँ अंदर कोई भी नहीं है? और अच्छा वो मुझे कह गया कि 3 बंदे लगवाए अंदर, अभी यार सीटियाँ ही कर रहे हैं ये अनलोडिंग वाले, अभी उसके साथ वाला पता नहीं किधर गया है। चलें जी कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे फिर कोर्स करने पड़ जाते हैं ड्राइवरी में अपना शेरा साहब। तो ये था ना कि अगर भाई इधर 1.5-2 घंटा खड़े रहते तो वापसी की लोडिंग रिस्क पे पड़ जानी थी। तो अभी ये है कि भाई अभी टेंशन नहीं है, फ़ौरन से अनलोड करके निकलते हैं ना, अल्लाह करे माल बन जाए भाई। माल कह तो रहे बना हुआ है लेकिन कन्फर्म नहीं है अभी, तो भाई अल्लाह करे कोई निज़ाम चल जाए। कितने रह गए यार लूणा जी? भाई थोड़े रह गए, तकरीबन रह गए 10, 20, 30, 40, 50, तकरीबन 60 को रह गए। चलो अल्लाह करम करे। हुए भी जनाब डर ही लग रहा है, पहरा देना पड़ रहा है गाड़ी को, क्योंकि मन में गाड़ी खड़ी की है और कोई जगह ही नहीं थी उनकी, यार तारे ऊपर लग रही हैं। तो ये भाई मसले मसाइल बड़े दरपेश होते हैं हमें अक्सर कई स्टॉपों पर, कई जगहों पर। अभी देखें ना व्हील कप का भी डर है कि कोई व्हील कप ना तोड़ जाए। चले जी तकरीबन थोड़ा ही रह गया, पहरा देते हैं उतनी देर तक, हाँ क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ जब आती हैं तो जगह बहुत कंजस्टेड हो जाती है, उसकी वजह से फिर बड़ा अपना मसला बनता है। तो जनाब जट्ठा हत्याल को करते हैं गुड बाय, और प्रोग्राम बढ़ गया, रश पड़ गया। बड़ी गाड़ियाँ जब आती हैं तो जगह बिल्कुल कंजस्टेड हो जाती, कुछ पार्किंग की हुई है कारों ने। अभी ये बाइक वाले का काम देखें भाई, फुल मौज में खड़ी करके गया कि जैसे इधर से भाई रिक्शे गुजरते हैं बस। पाकिस्तानी कौम बड़ी बेखौफ है भाई, बहुत बेखौफ है। अभी ये कार वाले के काम देख, सब्र नहीं है भाई, जरा सा भी सब्र नहीं है।
अगर सबर आ जाए तो पाकिस्तानी भाई अपना चंद पे ना पहुंच जाना है। बस ये गाड़ी निकल गई डंपर तो फिर भाई हमारे लिए आसानी हो जाएगी। चले देखो अपना जुड़े चलो फिर खलोता रे बस हर बंदा अपनी अनाज खलोता रहा। चलो भाई जान गुस्से से देख रहा है इसने अभी ईंट पकड़ के मार देनी हमें। उन्होंने गुस्सा आया कि मैंने इन्होंने मार मार के बुलाया क्यों है। वो टायर तब्दील कर रहा है चाचा। चलो भाई चलो, कोशिश यही थी कि भाई दिन के चुनाव में अपना गाड़ी लोड कर लेते और आपको अच्छा सा नजारा दिखाते फिरते, लेकिन कोई बात नहीं भाई आपको अभी ट्विस्ट दिखाना है। रात के टाइम ये फुल डरावना हो जाता भाई, मट्टी वाला रोड चढ़िया सिंह साहब, रात के टाइम खौफ आता है भाई, जंगल ही जंगल। अभी जनाब डीजल फिल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रांजी भाई मट्टी का हो गया क्लियर? ना क्लियर तो भी गाड़ी शूटर करनी है, शूटर भाई निकलना अपना मट्टी की लोडिंग के लिए। रात आगे लगी हुई है और दूसरी रात फिर आ गई है। हां आंखें फट रही हैं भाई, ये देखो ये देखो ये देखो। चलें अल्लाह खैर करे लोड करके निकलते हैं ना बाहर, फिर अपना तरतीब सेट करते हैं। हां एक बार लोडिंग करके बाहर रोड पे आ जाए ना, फिर कोई मसला नहीं। ए सूरज तो जनाब सूरज डूबने को है और अम्मा जान की याद बिल्कुल भाई अपना ना आंखें भरना शुरू कर दी हैं, क्योंकि मेरा जो सा होता है ना तमाम परदेसियों का जो सा ये टाइम होता है वल्ला आलम अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी घड़ी रखी हुई है कि यार ये जो सा टाइम बहुत बहुत मुश्किल गुजरता है। तो मैं तो अक्सर जब भी होता हूँ पिंडी साइड वगैरह घर से दूर होता हूँ तो मेरा तो आगे नहीं था मन लगता, ये तकरीबन घंटा डेढ़ ये जो सा अपना होता है अपना सूरज ग्रूब होने का। तो यकीन करें भाई अपना ना बड़ा निज़ाम अपना अधूरा हुआ पड़ा है। चलें ये अल्लाह सेहत तंदरुस्ती दे, खैर वाफिया से अम्मा जान उम्रा की सादत हासिल करके घर आए, फिर भाई अपना सारी टेंशनें परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। किंदा हाय पहुंच गए जनाब सुहावा और यहाँ से करते हैं तगड़ा सा भाई शाम का खाना, क्योंकि खाना खाएंगे तो भाई चलेंगे। तो माशाल्लाह देखिए ड्राइवर भाई बैठे हैं अपना खाने के इंतज़ार में, तो खाना शाना खा के इंशाल्लाह फिर निकलते हैं लोडिंग पे भाई, क्योंकि लोडिंग रातों रात करनी है इंशाल्लाह। ये मज़ेदार सा रोश है हमारे पास और अच्छा सा सैलड और साथ में अचार और साथ में लून मिर्च हाँ काली मिर्च ऐड करो तो और अभी कम डालिए। तो जनाब ये होटल भाई अपना सर्दियों की सुगात होती है, तमाम ड्राइवर भाई माशाल्लाह इधर से जितने गोश्त को ड्राइवर है इधर आके रुकते हैं। आसिम साहब लगता नहीं मैं यार की नहीं लगता भाई लग जाएगा हौली हौली। चले बिस्मिल्लाह करें जी, शूटिंग का टाइम शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चल चल करमाली चल चल मट्टी लोड कर। तो भाई रात को जब भी जाते हैं इस रोड में मट्टी लोड करने के लिए एक एडवेंचर हो जाता है, एक पागलपन नहीं होता है। आसिम साहब तो जरा उसान खता हो जाते हैं, चोरी चकारी वाला कोई सीन नहीं है, क्राइम रेट जीरो है, लेकिन भाई डर जो सा लगता है ना ये अपना वीरान पहाड़ों से वीरान दरख्तों से है आसिम साहब। तो फी मान अल्लाह अल्लाह नहीं के मान, क्योंकि लोडिंग की भाई लाजमी करनी है। भाई नासिर ने कहा आपने लोडिंग रात को अगर 12 बजे भी है तो करनी है, सुबह गाड़ी अनलोड करके फिर से माल लोड करना है, छुट्टी कोई नहीं है भाई। तो अभी वराना चेक करें रोड का, गाड़ी पकाते ही जा रहे हैं। चल चल कर मानिए चल चल।
शेरा हंस रहा है, आगे से गाड़ी आ रही है। ओए होए होए, अच्छा आगे से कोई गाड़ी आती है तो थोड़ा सा हौसला होता है, नहीं तो भाई 8-8 किलोमीटर की गाड़ी आसपास से गुजरती नहीं है। तो ये तंग रोड है, जब ब्रेक लगती है गाड़ी स्लो होती है ना, तो तब बड़ा डर आता है भाई। लेकिन अल्लाह ताला की जात साथ है, कोई मसले वाली बात। अरे भाई इतना अंधेरा क्यों है? ओए ना बंद कर दे, बंद कर दे, शनाख्त हो जाती, लाइट बंद कर दे, टार्जन आ लूड़ा जी, टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह की जात पास सब साथ हो। भाई तो बिल्कुल जनाब जंगलों के मिड पॉइंट पे आ गए हैं। तो अभी सिर्फ ना मसला ये है कि चाचा जी अभी आए नहीं ट्रैक्टर वाले, तो दिन के टाइम यार ये एक अलग मंजर पेश करता है और रात के टाइम एक अलग कैफियत होती है। इधर हाँ जी आवाजें सुन रहे हैं आप? ओ मेरे सिर च ना मार दी लूणिया, तो खामोशी चेक करें। ओ तू ना इंसान बन भाई, टाइम आ गया बारी पाना डालने गाड़ी को, व्हील के नट वगैरह चेक कर ले, क्योंकि 10-व्हीलर का भाई गुजारा हो जाता, सिंगल गाड़ी को हर दूसरे ट्रिप पे बारी पाना लाजमी डालना जी। कोई काबला वगैरह टूटा या कोई काबला ढीला है तो आपको पता चल जाएगा। और आसपास अल्लाह की जात और हम है भाई बस, और खामोशी है बाकी। तो फाइनली जी चाचा जी आ गए और लोडिंग हो रही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लोडिंग मुकम्मल होने वाली है और फिर गाड़ी शूटर करते हैं भाई। चलो चलो चाचा जी मिनट मार दो, बड़ा लेट हो गए आज। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोड पे निकले हैं भाई। हाय हाय, शुक्र शुक्र शुक्र। अली भाई क्या बात है, बुखार हो गया है? अली भाई कोई बात नहीं, मौसम कच्चा पक्का ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं जी। टार्जन भाई ये छोटा गाड़ी है, इधर कौन मांगता है? ये कौन मांगता है छोटा गाड़ी? अभी देखो एक दिन में इस्लामाबाद से होके वापस जा रहा है, माल उतारेगा, एक दिन का फेरा होगा माशाल्लाह हमारा। बड़ी सब्जी लग रही है यार आज, आज तो अली भाई को बुखार हो गया। लूड़े गद्दार सो रहा है, सोते नहीं है भाई, जब साथ वाले को नींद आई हो तो फिर सोते नहीं है। साथ में किसको नींद आ रही है? नहीं अपनी आ रही है, मेरे जाना की था। नहीं भाई वो कह रहे मुझे नहीं नींद आ रही, लूना पकड़ लिया हमने ऊपर से, तो चले ना जाए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो यकीन करें धुंध ने भाई। ओए पागल भाई, सड़क तो किन्नी उत्ते आ, ओ यार नहीं लूणिया किथे उत्ते आ। तो भाई काम बिल्कुल जीरो जीरो हुआ पड़ा, दिमाग का कचरा हो गया है आसिम साहब। उम्मीद नहीं थी निचले रोडों पे
ना तो बाउंड्री वॉल्स लगी होती हैं और ना ही अपना कोई अपना येलो लाइन से लगी है कि जब रोड जांच हो जाए। जीटी रोड में फिर भी गुजारा हो जाता है। हाँ इस गाड़ी का लाइक बिल्कुल ऐसी अल्लाह माफ करे के पहले नतज भाई।